दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जहां आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राइट एप्लीकेशन कंट्रोल, दैट इज द लास्ट कंट्रोल अंडर चैप्टर नंबर 3। बहुत सारे कंट्रोल हैं बट यस चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है ये लास्ट कंट्रोल हमारा ऑडिट फंक्शन के अंदर जो कवर हो रहा है। ओके नाउ दोस्तों बिफोर आई स्टार्ट विद एप्लीकेशन कंट्रोल, ओके सबसे पहले समझना है अपने को सर ये एप्लीकेशन कंट्रोल है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन कंट्रोल। ओके तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप समझो तो इस शब्द में जितने शब्द हैं, क्या बोला मैंने, इस शब्द में मतलब एप्लीकेशन कंट्रोल में, ठीक है, कितने शब्द हैं, दो शब्द है। तो इस शब्द में दो शब्द है, एक एप्लीकेशन है और दूसरा है दोस्तों कंट्रोल। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर, कंप्यूटर में दो चीजें होती है, एक होता है दोस्तों हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में दो चीजें होती है, एक होता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, याद आया क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर जहां पे डेफिनेटली हमने कवर किया था दैट इज विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैक, एंड्रॉइड, ऐसे सॉफ्टवेयर। दूसरा सॉफ्टवेयर था दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या बोला मैंने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा आ गया था, टैली याद आया, एमएस ऑफिस, ठीक है, और टैक्स बेस सॉफ्टवेयर है, ओके कोरल ड्रॉ, ठीक है, फोटो शॉप, ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स है ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन कंट्रोल बोलता है कि मुझे इन सॉफ्टवेयर्स पे क्या लगाना है, कंट्रोल लगाना है, क्या लगाना है, कंट्रोल लगाना है। अच्छा आपको इतना भी समझ में आता होगा कि सर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग लोगों की नीड के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की नीड को फुलफिल करता है। कंप्यूटर की नीड को फुलफिल करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। तो से सपोज सीए की फर्म है, तो सीए की फर्म में बताओ कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगेंगे, टैली लगेगा, टैक्स बेस लगेगा, है ना, एमएस वर्ड लगेगा, एक्सेल लगेगा, ये चीजें लगेगी, ओके। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैंने बोला डिजाइनर की ऑफिस है, तो डिजाइनर की ऑफिस में यस कम ऑन क्या लग सकता है, कोरल ड्रॉ, राइट, ऑटोकैड। फोटोग्राफर को ऑफिस है, फोटोग्राफर को ऑफिस है तो क्या लगेगा, फोटो एडोब शॉप। अलग अलग यूजर्स होंगे और डेफिनेटली क्या होगा दोस्तों, अलग अलग सॉफ्टवेयर होगा, राइट, यस। प्रोफेसर है या कॉलेज है, ठीक है, तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा। हमने डेटाबेस में आपके साथ डिस्कस किया था दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अकाउंट सॉफ्ट, राइट, तो ये सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। तो अलग अलग यूजर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग, जल्दी बोलो फटाफट से, सॉफ्टवेयर, राइट। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप क्या चाहोगे साहब, आपका सॉफ्टवेयर क्या अनऑथराइज यूजर से प्रोटेक्ट होना चाहिए, बोलो जरा फटाफट से, यस अनऑथराइज यूजर से क्या होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए। क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर क्या जनरेट करता है दोस्तों, डेटा, क्या जनरेट करता है, डेटा, ये भी क्या जनरेट करेगा, डेटा, और ये भी क्या जनरेट करेगा, डेटा। ऑब्वियसली हर एक की डेटा आउटपुट जो है वो अलग अलग होंगे, ऑब्वियसली।
अब आप क्या चाहते हो, इस प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करना चाहते हो और अपने आप डेटा बेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो जहां पे डेटा रखा हुआ है। सही बोल रहा हूं? बिल्कुल। अब सोचो क्या हो अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ये जो लोग हैं ये क्या कहलाए जाएंगे, कम ऑन, क्या कहलाए जाएंगे दोस्तों, ऑथराइज्ड यूजर। क्या कहलाए जाएंगे? ऑथराइज्ड यूजर। और बाकी के जो लोग हैं ये चोर उचक्के डाकू हाँ लुटेरे लूट लो, ठीक है, ये कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज नहीं थे, hence they are called as come on unauthorized user। क्या बोलते हैं इसको? अनऑथराइज्ड बोलते क्यों नहीं, यूजर। ये अनऑथराइज्ड यूजर है, राइट? हम चाहेंगे कि ये जो अनऑथराइज्ड यूजर है ये कभी भी सिस्टम में एंट्री नहीं करने चाहिए, राइट? तो आपने क्या बिठा दिया यहां पे? सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। याद आया क्या? यस, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, जिसने ये पूरी लगाई है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाया, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाया, एनवायरमेंटल कंट्रोल लगाया। बट एनवायरमेंटल कंट्रोल इनके लिए जरूरत नहीं, इनके लिए तो सिर्फ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल चाहिए। और एनवायरमेंटल कंट्रोल इसलिए लगा हुआ है कि आग पानी धूल मिट्टी हवा वगैरह से भी अपने सिस्टम को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। ठीक बात है। अब इस सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर में ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाया हुआ था, आईडी एंड पासवर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया दोस्तों? आईडी एंड पासवर्ड लगा दिया, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, आईडी पासवर्ड लग गया। अब जिस किसी यूजर के पास वैलिड आईडी पासवर्ड होगा वो इन रिसोर्सेस को एक्सेस करेगा, और जिनके पास आईडी पासवर्ड नहीं होगा वो इन रिसोर्स को एक्सेस नहीं करेगा, राइट? यस। तो अब ये बात आती है साहब कि मैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल तो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो यूजर थे इस यूजर से, ध्यान से समझना, इस यूजर्स को मैंने सिस्टम में प्रवेश इनका वर्जित कर दिया, अब ये एंटर नहीं कर सकते। बट क्या ये सब एंटर कर सकते थे? यस, ये एंटर कर सकते थे, और ये चाहते तो इस सिस्टम को अच्छे से भी यूज कर सकते, और इस चाहते तो इस सिस्टम की धज्जियां उड़ा सकते थे। बोले यस और नो? यस, क्योंकि ये वैलिड यूजर है। एक बार ये घुस गया किधर, सिस्टम में, सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन, अगर ये यूजर घुस गया तो अगर इस यूजर का दिमाग ठीक है तो ये तो सिस्टम को बराबर यूज करेगा, बट अगर इस यूजर का दिमाग घूम गया तो ये सिस्टम के मजे भी ले सकता है, बर्बाद कर सकता है ये सिस्टम को, इज्जत लूट सकता है सिस्टम की, लूट लोगा पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने इसको इजाजत दे दिया कि जाओ तुम सिस्टम में घुस जाओ, और एक बार ये सिस्टम में घुस गया तो फिर ये नहीं सोचेगा कि मुझे क्या एक्सेस करना है क्या नहीं एक्सेस करना है। इसकी जैसी दिमाग होगी, जैसी बुद्धि होगी, जैसी सोच होगी, अकॉर्डिंगली वो सिस्टम में दस्तक दे सकता है। आ रहा है बात समझ में? तो ये जो सिस्टम थे, टेक्स्ट बेस, टैली, एमएस वर्ड, एक्सेल, कोरल ड्रॉ, ये सिर्फ अगर आप इनमें फिजिकल एक्सेस कंट्रोल या लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाओगे तो सफिशिएंट कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए इसने बोला कि अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आपको अदर एप्लीकेशन कंट्रोल भी लगाना पड़ेगा, अदर एप्लीकेशन कंट्रोल भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल भी जो है वो एप्लीकेशन कंट्रोल का एक पार्ट है। आ रहा है बात समझ में? यस। उनको डेफिनेटली यहाँ पे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है दोस्तों बाउंड्री कंट्रोल। क्या बोला जाता है? बाउंड्री कंट्रोल। तो बाउंड्री कंट्रोल हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है दोस्तों, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, चूंकि नाम में ही लिखा हुआ है बाउंड्री कंट्रोल, राइट? यस। तो ये सीधा सीधा बोलता है कि भाई हम अनऑथराइज यूजर को एंट्री करने नहीं देगा, और अगर एंट्री कर गया तो वो ऑथराइज यूजर हो जाएगा।
अब उसके बाद अगर एप्लीकेशन सिस्टम में कुछ भी इश्यूज होगा तो उसमें फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब अर्थात बाउंड्री कंट्रोल कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अपार्ट फ्रॉम बाउंड्री कंट्रोल बहुत सारे कंट्रोल है जो एप्लीकेशन कंट्रोल में लगाने पड़ेंगे। आ जाइए देखते हैं हमारे पास, ये दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है चिंकी पिंकी। क्या नाम है? चिंकी पिंकी। इट्स कॉल्ड चिंकी पिंकी। है चिंकी पिंकी। सो चिंकी पिंकी ये जो थे ये कौन थे दोस्तों? ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। कौन थे? एडमिनिस्ट्रेटर। चलो इनको ओनर बना देते हैं, अब एडमिनिस्ट्रेटर किसी और को बना देंगे, ठीक है। चिंकी पिंकी बिकम्स ओनर और इसने एक सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जिसका नाम था, क्या नाम था? ओके, इसका नाम था रेखा। नहीं, रेखा ले लिया नाम, रेखा नहीं लेंगे। रेखा के अलावा इसका नाम अपन दे देते हैं, क्या नाम दे दे रहे हैं? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? अच्छा चलो, इसका नाम जो है हम रखते हैं क्या रख दे यार, दिमाग में ही नहीं आ रहा है। ओके, इसका नाम हम रखेंगे, अभी भी नहीं आया। ऐसे कोई खतरनाक सी लेडी दिमाग में आ रही है क्या? चलो चलो चलो, इसका नाम अपन रख देते हैं ओके, इसका नाम हम रखते हैं अरे बोलते क्यों नहीं यार, बोलो ना फटाक से, बोलो जल्दी से, क्या नाम रख दे इसका? एडमिनिस्ट्रेटर का नाम हम रखते हैं, चलो राखी सावर। हमने राखी को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में, चिंकी पिंकी के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सिस्टम थे। क्या थे? सिस्टम। यहां पे बहुत सारे सिस्टम थे। कौन थे सिस्टम? एक सिस्टम थी आलिया। ओके ए हंसना नहीं, बहुत मारूंगा, आलिया के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके यस, तो एक आलिया थी, ठीक है। दूसरी सिस्टम थी पूनम पांडे। हंसने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अब सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। तीसरी माधुरी, माधुरी। ओके, फोर्थ ही सिस्टम में, कम ऑन, यस, कैटरीना, पांचवी सिस्टम थी कृति। बहुत खूबसूरत है ये, उतनी ही गंदे डायग्राम बन रहे हैं, ठीक है। कृति सेनन, ओके। देन इसके बाद एक सिस्टम और थी हमारे पास जिसका नाम था सनी दीदी। सनी देओल नहीं, सनी लियोनी, सनी दीदी, इसको दीदी बोलते हैं अपन, यस, दीदी बोलने से अच्छे सपने आते हैं, सो दीदी। ओके, देन इसके बाद एक सिस्टम और थी हमारे पास जिसका नाम था उदिता गोस्वामी। और सिस्टम थी एक जिसका नाम था करीना कपूर।
ये सब सिस्टम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके पास थी दोस्तों? राखी सावंत के पास। और इन सिस्टम के पास जाने के रास्ते जो थे वो बहुत ही स्पेसिफिक रास्ते थे। ओके, इन सिस्टम को बाहर के सिस्टम से प्यार हो गया। अभी बाहर के सिस्टम कौन थे? एक सिस्टम था जीजी, दूसरा सिस्टम था इमरान आसमी, तीसरा सिस्टम था अजय देवगन, फोर्थ सिस्टम था, यस कम ऑन, कार्तिक आर्यन। बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, कंट्रोल करो। फिफ्थ था अक्षय कुमार, सिक्स्थ था सलमान खान, सेवन था कमान शाहरुख खान। ओके, इतने सारे सिस्टम थे और हर एक सिस्टम का मतलब ये जो सिस्टम है आलिया, पूनम, माधुरी, कैटरीना, कृति, सनी, उदिता, करीना, इन सब सिस्टम ने अपना अपना रिलेशन जो है बाकी किसी स्पेसिफिक यूजर्स के साथ, इनको हम यूजर्स बोलते हैं, जो सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं। हंसने का नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये जो जीजी था, जीजी ने आलिया के सिस्टम को एक्सेस करना चाहते थे, जीजी आलिया के सिस्टम को एक्सेस करना चाहते थे, बट जैसे ये आलिया को सिस्टम को एक्सेस करने के लिए जाने लगा, राखी ने इसको रोक लिया। बोला, ए जीजी किधर जाता है? जीजी ने बोला, राखी तुम यहाँ क्या करती? ए राखी तुम यहाँ क्या करती? मैं तो अपने कमान आलिया के पास जा रहा हूं, मुझे आलिया के सिस्टम को एक्सेस करना है, मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तो मुझे जाने दो। राखी ने बोला, नहीं तुम ऐसा नहीं जा सकते। क्या तुमने तुमको चिंकी पिंकी ने परमिशन दिया है आलिया को एक्सेस करने का? बोलिए, परमिशन क्या होता है? मैं आलिया से प्यार करता हूं, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलने जाने दो। राखी ने बोला, नहीं मुझे चिंकी पिंकी ने इसलिए अपॉइंट किया है कि कोई भी किसी भी सिस्टम से नहीं मिल सकता। जीजी ने बोला, ओके आप चिंकी पिंकी से पूछ लो, मुझे आलिया से प्यार है, आलिया मुझसे प्यार करती है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मिलने में प्रतिबंध कैसा? ये प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ओके, तो जीजी ने आलिया की परमिशन ली, आलिया ने बोला, यस जीजी से मैं प्यार करती हूँ, जीजी को आने दो। राखी सावंत ने चिंकी पिंकी से बोला, ऐसा ऐसा है, चिंकी पिंकी ने यह अलाउ किया कि आलिया के लिए वैलिड यूजर है जीजी, आलिया का वैलिड यूजर है जीजी, उसको आलिया से मिलने जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बाउंड्री था, ध्यान से सुनना, ये जो बाउंड्री था, इस बाउंड्री को जीजी ने क्रॉस कर लिया। क्यों? क्योंकि राखी सावंत का उसको परमिशन मिल गया। और अब ये जीजी ने क्या किया, आलिया के पास गया, आलिया से मिला, राइट, आलिया से प्यार भरी बातें की, और आलिया से प्यार भरी बातें करने के बाद जीजी वहां से निकला और किसके पास, किसके पास चला गया? कृति के पास चला गया। राखी को पता नहीं चला, ध्यान से, राखी को पता नहीं चला कि ये जीजी जो है ये आलिया के पास गया है या कृति के पास गया है। जीजी को बढ़िया मजा आ गया, बोले, यार एक सिस्टम के साथ एक्सेस करने को मिला था, अब मैं इस बाउंड्री के अंदर जितने भी सिस्टम है मैं उनके सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूं। राखी को पता नहीं चलेगा,
जैसे ही जी जी कृति के पास गया, कृति ने बोला, ए कौन हो तुम, मैं तुमको नहीं जानती। कृति ने राखी से शिकायत कर दी कि तुम कैसे यहाँ पे पहरेदारी कर रही हो। जी जी यूजर था वो मेरे पास आया जबकि मैं इस यूजर को नहीं जानती, ये यूजर जो है वैलिड यूजर नहीं है, मेरा वैलिड यूजर तो कार्तिक आर्यन है। सिर्फ कार्तिक आर्यन को ही अलाउड है कि वो मुझसे मिल सके, बाकी किसी को भी अलाउड नहीं है। ऐसा जीजी की हरकत ने राखी सावंत को और चिंकी पिंकी को टेंशन में डाल दिया। उसने बोला, ये क्या, जीजी तो वैलिड यूजर था, जीजी तो वैलिड यूजर था, बट इस जीजी ने अपने वैलिडिटी का नाजायज फायदा उठाया है, गलत फायदा उठाया है और वो दूसरे सिस्टम के पास चला गया। तो नहीं, ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का होना या लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का होना सफिशियंट नहीं है। उसी तरीके से कार्तिक आर्यन कृति सेनन के लिए वैलिड यूजर था, अजय देवगन माधुरी के लिए वैलिड यूजर था, ओके सलमान खान कैटरीना के लिए वैलिड यूजर था, शाहरुख खान करीना कपूर के लिए वैलिड यूजर था, अक्षय कुमार उदिता स्वामी के लिए गोस्वामी के लिए वैलिड यूजर था, बट इमरान हाशमी जो था वो किसी के लिए भी वैलिड यूजर नहीं था। उसको सब देखते ही भगा देते थे, बोले नहीं, ही कैन नॉट बिकम व्हाट वैलिड यूजर, नहीं इसको एंटर नहीं देना है। जब इसको एंट्री नहीं मिल रही थी तो ये जाने की कोशिश किया, बताओ जरा क्या राखी सावंत इसको जाने देगी, नहीं राखी सावंत इसको नहीं जाने देगी। इस केस में इमरान हाशमी के केस में तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल काम कर गया, बट बाकी सारे यूजर के केस में फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल जो है वो सफिशियंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अनऑथराइज्ड यूजर को ही रोक सकते हैं, ऑथराइज्ड यूजर को रोक नहीं सकते। अजय देवगन भी गया, अजय देवगन किसके पास जा सकता था, माधुरी के पास, बट माधुरी से मिलने के बाद वो किसके पास चला गया, उदिता गोस्वामी। उदिता गोस्वामी ने शिकायत कर दी, ए राखी ये अजय देवगन जो है ये अनवांटेड यूजर है मेरे लिए, इसको मेरे पास आने क्यों दिया, तुम प्रॉपर तरीके से चौकीदारी नहीं कर रही हो, मैं तुमको यहां से निकाल दूंगी, मैं चिंकी पिंकी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। राखी ने बोला, नहीं ऐसा मत करना बहना, मैं अगली बार अजय देवगन को तुम्हारे पास आने नहीं दूंगी। अब राखी बहुत परेशान थी, क्यों, क्योंकि अनऑथराइज्ड यूजर को तो वो रोक पा रही थी, बट जो ऑथराइज्ड यूजर थे वो उसके रोके नहीं रुक रहे थे, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर बाउंड्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने के बाद वो किसी भी सिस्टम में एंट्री कर रहे थे। ओके, तो जब ऐसी प्रॉब्लम आई तो उसने बोला, नहीं इसको क्या दे दो, एक तो आईडी पासवर्ड दे दो, ध्यान से सुनना, और दूसरा भी मैंने बताया था आपको दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लेवल ऑफ एक्सेस राइट, याद आया हो तो, क्या बोला मैंने, लेवल ऑफ एक्सेस राइट। तो अगर आप उसके, ध्यान से समझना, आईडी पासवर्ड में ही लेवल ऑफ एक्सेस राइट डाल दोगे तो अब जो जीजी है वो सिर्फ आलिया को ही एक्सेस करेगा, बाकी दूसरे किसी भी सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, ये ऐसी चीजें तो आपके समझ में आ ही जाएगी, बहुत बढ़िया, राइट। अब बात आती है, अब जीजी ने फिर मजे लिया, जीजी ने क्या बोला, जीजी जब मिलने जा रहा था आलिया से, ओके, तो जीजी आलिया से मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब जीजी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गया तो उसने दोस्ती जो थी वो कैटरीना से भी कर ली, उसने दोस्ती किससे कर ली, कैटरीना से भी कर ली। और जैसे कैटरीना से दोस्ती हुई तो कैटरीना ने राखी को बोला कि जीजी को मेरे पास भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कैटरीना जो थी वो जीजी की सिर्फ फ्रेंड थी और ये जो आलिया थी वो गर्लफ्रेंड थी। तो जीजी जब आलिया के पास जाते थे तो जीजी और जब आलिया का इंटरेक्शन होता था तो बहुत प्यार भरी बातें निकलती थी, आई लव यू जैसे शब्द निकलते थे, राइट, और प्यार भरी बातें होती थी, बहुत सारी प्यार भरी बातें होती थी,
बट ऐसे शब्द जो थे वो आलिया के केस में वैलिड इनपुट था, बट जीजी ने बोला कि जब मैं आलिया से मिल ही रहा हूं तो मैं कैटरीना से भी जब मिलता हूं तो मैं उससे भी आज आई लव यू बोलूंगा। और जैसे ही जीजी ने कैटरीना से आई लव यू बोला, कैटरीना को टेंशन आ गया, बोले जीजी तुम तो मेरे फ्रेंड थे, तुम मेरे साथ ये इनपुट नहीं दे सकते मुझे, यू आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड दिस इनपुट टू मी, मैं तुम इस इनपुट को देने के लिए वैलिड यूजर नहीं हो, ये इनपुट तो सिर्फ मुझे सल्लू ही दे सकता है, तुम नहीं दे सकते। बट जीजी ने वो इनपुट दे दिया, कैटरीना परेशान हो गई, राइट, कैटरीना को टेंशन आ गया कि बोले नहीं मैंने गलत आदमी से रिश्ता बना लिया है, मुझे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। जब इस तरीके से जीजी ने किया तो जीजी को देख के अजय देवगन ने भी ऐसे किया, ओके, कार्तिक आर्यन ने भी ऐसा किया, अक्षय कुमार ने भी ऐसा किया, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम जो थे सब टेंशन में आ गए, घबराने लगे, तो सबने राखी से शिकायत की, राखी ये जो यूजर है ये सब बदतमीजी कर रहे हैं, ये अपने ऑक्स में रह के बात नहीं करते, ये अपने ऑक्स में रह के सिस्टम को इनपुट नहीं दे रहे, ये किसी भी सिस्टम को कुछ भी इनपुट दे रहे, इनके इनपुट पे कंट्रोल लगाओ। राखी बोली ये कंट्रोल में नहीं लगा सकती, ये कंट्रोल में ले लगा सकती, क्यों, क्योंकि पीएसी और एलएसी में सिर्फ यही दो कंट्रोल लग सकते हैं, अगर ऐसे कुछ आपको कंट्रोल लगाने हैं तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, चिंकी पिंकी के पास जाना पड़ेगा। चिंकी पिंकी को बोला गया, चिंकी पिंकी आप मेरे सिस्टम में क्या लगा दो, इनपुट कंट्रोल लगा दो, जब भी जीजी मेरे पास आएगा तो अगर चाह के भी वो मुझे आई लव यू ना बोल पाए, उसका आई लव यू मेरे तक नहीं पहुंचना चाहिए। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है? यस। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हो ध्यान से समझो, तुम लोग गलत जगह जा रहे हैं बेटा। जब भी सॉफ्टवेयर पे कोई भी इनपुट आएगा तो इनपुट पे भी कंट्रोल लगा होना चाहिए, कोई भी इनपुट कोई भी यूजर किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब मतलब अब आई लव यू किसके पास जाएगा, आलिया के पास, ओके, कैटरीना के पास क्या जा सकता है, आई लाइक यू, आई लव यू नहीं जा सकता, क्या जा सकता है दोस्तों, आई लाइक यू जा सकता है। एक ये इनपुट है जो वैलिड इनपुट है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोल सकता है, बट एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को आई लव यू नहीं बोल सकता, मतलब क्या लग गया, इनपुट पर रिस्ट्रिक्शन लग गया। ओके, अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना और कहानी मजेदार आएगी। अब कार्तिक आर्यन जो था वो किसका वैलिड यूजर था, कृति का, बट कैटरीना जो है वो कार्तिक को पसंद करती थी। अब कैटरीना ने कार्तिक को बोला कि तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ, कैटरीना के हिसाब से कार्तिक जो था वो फ्रेंड बन गया। अब जब कार्तिक कैटरीना के पास गया, ध्यान से समझना, तो कार्तिक भी बहुत शैतान था और कैटरीना भी कार्तिक के लिए बहुत शैतान थी, दोनों ही जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे के दोस्त है, पर कार्तिक ने धीरे से चुपके से कैटरीना के मन में बात कही, दैट इज आई लव यू, कैटरीना आई लव यू। कैटरीना ने भी उस आई लव यू को एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे ही एक्सेप्ट हुआ, ध्यान से समझना, उसका प्रोसेस होना शुरू हो गया, उसका इंपैक्ट दोनों की लाइफ में आना शुरू हो गया, एंड एज अ रिजल्ट आउटपुट भी आ गया। एज अ रिजल्ट, अब भाई इनपुट गया, प्रोसेस हुआ, तो आउटपुट भी आएगा, बिल्कुल। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जब इनपुट डालोगे तो इस इनपुट का प्रोसेस होएगा और आउटपुट आएगा। तो एप्लीकेशन कंट्रोल बोलता है दोस्तों कि पहले तो कोई भी अनऑथराइज यूजर सिस्टम में आना ही नहीं चाहिए, मतलब क्या लगा दो, बाउंड्री कंट्रोल लगा दो, मतलब अनऑथराइज यूजर सारे बाहर। अगर कोई ऑथराइज यूजर अंदर आता भी है तो अपने ऑथराइज्ड सिस्टम में वो सिर्फ वैलिड इनपुट ही दे सकता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनपुट कंट्रोल, इनवैलिड इनपुट वो नहीं दे सकता। चलो मान लो इनपुट कंट्रोल काम नहीं किया, जैसे कैटरीना और कार्तिक के केस में क्योंकि वो फ्रेंड थे, कंट्रोल लगा था, बट कंट्रोल काम नहीं किया उन दोनों के केस में, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट थे और फ्रेंड होते हुए भी उन्होंने आई लव यू एक दूसरे का एक्सेप्ट कर लिया, तो भले ही इनपुट गलत रहा हो बट प्रोसेस पे तो कंट्रोल होना था।
प्रोसेस पे भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो इनपुट कंट्रोल गड़बड़ हो सकता है, बट उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल भी होना चाहिए। और अगर इनपुट कंट्रोल सही है, मतलब ध्यान से समझना, इनपुट कंट्रोल अगर सही रहेगा दोस्तों, तो प्रोसेस कंट्रोल गड़बड़ हो सकता है। जैसे जीजी कैटरीना के पास गया, या अजय देवगन जो था वो माधुरी के अलावा करीना कपूर के पास गया, या कार्तिक आर्यन कृति के अलावा कैटरीना के पास गया, कोई भी किसी के पास गया से सपोज, और अजय देवगन की जो ऑथराइज यूजर थी वो माधुरी थी, ऑथराइज सिस्टम माधुरी थी, बट वो किसके पास गया, करीना कपूर के पास गया, और करीना कपूर के साथ उसने बदतमीजी की। इनपुट पे तो कंट्रोल था, जैसे उसने आई लव यू बोला, करीना कपूर का बोला, करीना कपूर ने बोला नहीं ये शब्द तुम सिर्फ माधुरी से बोल सकते हो, मेरे से नहीं, मेरे से सिर्फ आई लाइक यू बोल सकते हो। अजय ने बोला नहीं मेरे को आई लव यू बोलना है, वो नहीं माने, उसने उसके साथ बदतमीजी की। ध्यान से समझना, इनपुट पे कंट्रोल नहीं था, इनपुट पे कंट्रोल था बट प्रोसेस पे कंट्रोल नहीं था दोस्तों। मतलब इनपुट भले ही आपने सही दिया हो, राइट, बट अगर प्रोसेस पे कंट्रोल नहीं होगा तो इनपुट की गलत प्रोसेसिंग हो सकती है, तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए दोस्तों, बाउंड्री पे कंट्रोल होना चाहिए कि अनऑथराइज यूजर एंट्री ही ना कर सके। दूसरा, अगर वो अनऑथराइज यूजर एंट्री कर भी जाए, से सपोज मान लो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल बराबर काम नहीं किया, कर भी जाए तो वहां पे इनपुट कंट्रोल होना चाहिए। मतलब अब वो इमरान हाशमी किसी से भी बात नहीं कर सकता, कुछ भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है। ओके, चलो मान लेता हूं मैं इनपुट कंट्रोल भी नहीं है, ओके, इनपुट कंट्रोल भी नहीं, मतलब वो इमरान कुछ भी बात कर सकता है किसी से भी, तो क्या होना चाहिए, प्रोसेस कंट्रोल, बदतमीजी किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आलिया ने इमरान को 2 झापड़ खींच के मारना चाहिए, पूनम ने 3-4 झापड़ खींच के मारना चाहिए, सामने झापड़ खींच के मारना चाहिए, प्रोसेस कंट्रोल होना चाहिए। भाई साहब आप बदतमीजी नहीं कर सकते हो, राइट, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो उसने जबरदस्ती की, जोर जबरदस्ती की, बदतमीजी भी कर दिया, उसने अपने ताकत का गलत फायदा किया, तो वहां पे आउटपुट कंट्रोल भी होना चाहिए, अदर होना चाहिए, यस, आउटपुट कंट्रोल होना चाहिए कि आप आउटपुट पे कंट्रोल कर सको, राइट, एंड बताने की जरूरत नहीं है डिटेल मेरे नालायको, हाँ, आउटपुट कंट्रोल होना चाहिए। एंड आउटपुट कंट्रोल अगर नहीं है, ध्यान से समझना, आउटपुट कंट्रोल भी अगर नहीं है, राइट, एंड एज अ रिजल्ट आउटपुट आता है, तो डेटा बेस कंट्रोल होना चाहिए, राइट, तो यहां पे इतने सारे कंट्रोल एप्लीकेशन सिस्टम में लगेंगे कि सो दैट अनऑथराइज यूजर बाहर चला जाए बाउंड्री कंट्रोल से, इनपुट कंट्रोल लगे कि कोई गलत इनपुट ना आ पाए सिस्टम में, ओके, देन इसके बाद प्रोसेस कंट्रोल भी होना चाहिए, इनपुट कंट्रोल के साथ प्रोसेस कंट्रोल भी होना चाहिए, प्रोसेस कंट्रोल के साथ डेटा बेस कंट्रोल भी होना चाहिए, एंड डेटा बेस कंट्रोल के साथ साथ दोस्तों कम्युनिकेशन कंट्रोल होना चाहिए कि उस डेटा में अगर हमने कंट्रोल नहीं भी लगाया तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन कंट्रोल हो, तो कम्युनिकेशन कंट्रोल के थ्रू वो डेटा जो है एक दूसरे के साथ शेयर ना हो सके। ये जो बात थी, आउटपुट आया है, अनवांटेड आउटपुट आया है, ये कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों मेरी स्टोरी से कि ये जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है तभी कंट्रोल होगा जब इसमें बाउंड्री कंट्रोल लगा हो। सबसे पहले यूजर ने बाउंड्री कंट्रोल अप्लाई करना चाहिए, देन इसके बाद उसको इनपुट कंट्रोल यूज एक्सेस करके सिस्टम के पास जाना चाहिए, देन उसको इनपुट कंट्रोल यूज करने के बाद उसके जो प्रोसेस हो रहा है, इनपुट देने के बाद जो डेटा में प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस प्रॉपर कंट्रोल में होना चाहिए, और जब प्रोसेस कंट्रोल में होगा तो आउटपुट आएगा, तो आउटपुट अगर गलत नहीं आना, सॉरी आउटपुट जो आएगा वो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आउटपुट कंट्रोल होना चाहिए, एंड आउटपुट कंट्रोल के बाद जो आउटपुट आएगा, राइट, उसको कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, तो डेटा बेस कंट्रोल होना चाहिए, और वो डेटा बेस जो रखा हुआ है उसको किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ कम्युनिकेट करना है, वहां पे कम्युनिकेशन कंट्रोल होना चाहिए। तो जब इतने सारे कंट्रोल किसी सॉफ्टवेयर में होंगे तभी वो सॉफ्टवेयर और उसका डेटा जो है अनऑथराइज यूजर से, अनवांटेड इनपुट से, अनवांटेड प्रोसेस से, अनवांटेड आउटपुट से, अनवांटेड डेटा से एंड अनवांटेड कम्युनिकेशन से बच पाएगा, और तभी हम कह पाएंगे कि हमारा जो डेटा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है।
तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया दोस्तों, डेफिनेटली एक जस्ट आइडिया आपको आ गया होगा। आइडिया क्या आया होगा, आप तो मास्टर हो गए होगे इस कॉन्सेप्ट में, बट आप जहां जा रहे हो वहां आपको नहीं जाना है। मैं आपको पकड़ के जो है वो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लाऊंगा, और यही कॉन्सेप्ट जो मैंने अब आपको इनफॉर्मली बताया है उसी कॉन्सेप्ट को अब आपको टेक्निकली दिखाऊंगा। तो देखो कैसे होता है बाउंड्री कंट्रोल, कैसे होता है इनपुट कंट्रोल, कैसे होता है प्रोसेस कंट्रोल, कैसे होता है आउटपुट कंट्रोल, कैसे होता है डेटाबेस कंट्रोल, एंड कैसे होता है कम्युनिकेशन कंट्रोल। आ जाइए देखते हैं दोस्तों। सो यहां पे से सपोज मैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ओके, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज लैन बेस्ड सॉफ्टवेयर, ओके। आप यहाँ पे देखोगे इसका कोई यूआरएल नहीं है, ये इंट्रानेट सिस्टम हम यहाँ पे यूज करते हैं, इंट्रानेट सिस्टम जहाँ पे हम आईपी एड्रेस के थ्रू अपने इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं जो सर्वर पे रखा हुआ है, ओके। और अब सबसे पहली बात ये आती है दोस्तों कि अगर मुझे इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, वैलिड यूजर की आईडी और पासवर्ड मेरे पास होना चाहिए। तो मेरे पास वैलिड यूजर, अगर मैं वैलिड यूजर हूं मैं इस सिस्टम को तभी एक्सेस कर सकता हूं, इस सिस्टम के अंदर मैं प्रवेश तभी पा सकता हूं जब मैं अपने वैलिड ऑथेंटिकेशन आईडी एंड पासवर्ड यूज करूंगा, और वो आईडी पासवर्ड क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, राइट। तो मैं देखो यहां पे अब क्या कर रहा हूं, एंट्री कर रहा हूं, तो दिस कंट्रोल इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंट्रोल ऑफ दिस एक्सॉफ्ट, दैट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है, इसका पहला कंट्रोल हमने लगाया है, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस, बट देर इज नो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, देर इज वॉट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट बाउंड्री कंट्रोल। और जैसे मैं लॉग इन करता हूँ दोस्तों, और अगर ये मेरा सॉफ्टवेयर जो आई डी पासवर्ड ये वैलिड है, तो मैं इस सिस्टम के अंदर अब मैं प्रवेश पा रहा हूँ। तो देखो मैं इस सिस्टम के अंदर जो है वो मैं प्रवेश पा रहा हूँ, अब ये चेक कर रहा है, यस। और ये देखो अब ये पूरा डेटा मुझे दिखने लगा। अगर मैं इसमें गलत आईडी पासवर्ड डाल देता दोस्तों, तो मैं इस डेटाबेस को, ये जो इसके अंदर डेटा रखा हुआ है, इसको मैं कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता था, राइट। अब बात ये आती है, अब यहाँ पे बहुत सारे देखो यहाँ पे सिस्टम अवेलेबल है, सेटिंग है, एडमिशन है, स्कॉलर्स है, फीस है, अकाउंट्स है। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ फीस, सपोज कोई स्टूडेंट आगे मेरे को फीस पे करता है और मैं एंट्री कर सकता हूँ क्या, नहीं मैं एंट्री नहीं कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे इसके अंदर कोई भी मॉड्यूल नहीं आ रहा है, राइट। बट जैसे मैं एकेडमिक्स में जाता हूँ तो ये देखो यहाँ पे इसका एक्सेस मुझे अलाउड है। ये देखो यहाँ पे मास्टर ट्रांजेक्शन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अटेंडेंस, ये जो भी इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल थे ये मेरे को अवेलेबल, मतलब इस मॉड्यूल की एक्सेस मेरे पास है, बाकी सारे मॉड्यूल का एक्सेस मेरे पास नहीं है। स्कॉलर्स में देखो कोई मॉड्यूल नहीं है, ओके, एडमिशन में कोई भी मॉड्यूल मेरे को एक्सेस करने के लिए अवेलेबल नहीं है, ओके। तो ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए, कुछ भी डेटा नहीं है क्योंकि इसका एक्सेस मेरे पास अवेलेबल नहीं। मतलब आईडी पासवर्ड के साथ मुझे क्या दिया गया है दोस्तों, लेवल ऑफ एक्सेस राइट दिया गया है। क्या दिया गया है मुझे, लेवल ऑफ एक्सेस राइट दिया गया कि बीइंग अ विजिटिंग फैकल्टी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मास्टर फाइल क्रिएट कर सकता हूँ अपनी, ट्रांजेक्शन जो है वो सपोज जब भी मैं क्लास लूंगा तो जितने भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं लेक्चर उनकी मैं एंट्री ले सकता हूँ, अटेंडेंस एंट्री ले सकता हूँ, ओके। असाइनमेंट अगर मैं कुछ देता हूँ उनको, राइट, तो वो असाइनमेंट जो है वो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ इतना ही एक्सेस, बाकी चीजें मुझे एक्सेस अलाउड नहीं है। आ रहा है बात समझ, यस। तो ये जो पहला कंट्रोल था दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाउंड्री कंट्रोल। अब मैं सिस्टम में आ गया तो क्या मैं सिस्टम में कुछ भी इनपुट डाल दूं। अब सपोज मान लो मेरे पास ये एकेडमिक्स का स्टूडेंट्स अटेंडेंस है, ठीक है। अब अटेंडेंस एंट्री लेता हूं मैं, सपोज ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको यहां पे। अब यहां पे ये आ रहा है, ये फील्ड है मेरे पास, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फील्ड, अटेंडेंस डेट इज अ फील्ड। मैंने आपको ये डेटाबेस में बताया था, डेटाबेस जब पढ़ा रहा था मैंने आपको फील्ड याद आ रहा है, बिट्स बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल एंड डेटाबेस, तो वहां पे हमने वो फील्ड बताया था मैंने आपको। एंड फील्ड का मतलब क्या हो गया कि ये फील्ड मतलब पूरे डेटाबेस का एक कोई दैट एरिया, या एक मैं इसको फील्ड मतलब कॉलम बोलूंगा। तो दिस इज द कॉलम, पहला अटेंडेंस डेट है, फिर दूसरा टीचर्स नेम है, क्लास एंड सब, तो कॉलम है ये, राइट। तो अब मैं बताऊँ यहाँ पे मैं ये डेट डाल रहा हूँ, तो ये दिस इज माई वैलिड डेट, यस, तो ये वैलिड इनपुट है। बट अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ आलिया, क्योंकि मैं ऑथराइज यूजर हूँ, राइट, आ रहा है बात समझ। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्या, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, लेवल ऑफ एक्सेस राइट है। दूसरा बोलता है मैं ऑथराइज यूजर हूँ, तो कोई भी इनपुट डालूंगा क्या, नहीं, कोई भी इनपुट नहीं डाल सकता। अगर मैं आलिया यहाँ पे इनपुट डालता हूँ, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे क्या आया,
Singh was not recognized as a valid date time. मतलब अब ये जो मेरा इनपुट है वो इनवैलिड इनपुट है, मतलब अब ये डेटा प्रोसेस नहीं हो सकता. मतलब मैंने क्या किया दोस्तों, इनपुट पे भी कंट्रोल लगाया हुआ है. मतलब अब यहाँ पे यूजर कोई भी इनपुट नहीं दे सकता. मतलब यूजर को अब क्या देना पड़ेगा दोस्तों, वैलिड इनपुट ही देना पड़ेगा. तो से सपोज मैंने आज इनपुट दिया, सपोज 18th May 2020. Now this is what called as valid input. System ने इस input को accept कर लिया. अब यहाँ पे से suppose मैंने class भी select करता हूँ. Suppose चलो मान लो ये class select कर दिया, lecture number मैंने ये डाल दिया. Okay, unit number से suppose मान लो मैंने 2 डाल दिया. और अब मैं कोई topic cover करता हूँ, से suppose मान लो topic cover करता हूँ money value, time value of money. Say suppose टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ओके, और मैं यहाँ पे आप व्यू, तो मैं देखो यहाँ पे ये रेड एस्ट्रिक मार्क थे, ये दूसरा कंट्रोल था इनपुट का. अगर मैं यहाँ पे इसे सपोज मान लो ये नहीं डालता हूँ और कंट्रोल एक्स हटा देता हूँ, अब देखो अगर मैं व्यू स्टूडेंट देखूंगा आएगा क्या, आ गया. बट यहाँ पे इसने ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया है. ठीक है, तो चूंकि एस्ट्रिक मार्क था तो ये होना चाहिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली एरर है. अब सपोज मान लो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. बट मान लो मैं ये नहीं डालता हूँ, से सपोज सेलेक्ट में ही है, राइट. अब मैं व्यू स्टूडेंट नहीं देख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सिलेक्शन जो है वो मैंडेटरी. तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डिजाइन एरर. ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, डिजाइन एरर. यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क इन्हें गलत से डाल दिया, एस्ट्रिक मार्क नहीं होना चाहिए था. मतलब ये बोलना चाहता कि भाई ये ऑप्शनल है, एस्ट्रिक मार्क दे दिया मतलब ये मैंडेटरी हो गया, राइट. तो आपने एस्ट्रिक मार्क दिया है बट आपने क्या नहीं किया, इसको मैंडेटरी मतलब इसको अप्लाई नहीं किया, सिर्फ आपने डिजाइन. तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कोडिंग एरर एंड डिजाइन एरर, राइट. मैंने व्यू स्टूडेंट किया, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एरर. ओके, डिजाइन एरर एंड डेवलपमेंट एरर. अब इतने बच्चे आ गए मेरे पास, ठीक है. अब मैं बोलना चाहता हूँ, साहब ध्यान से समझना, मैं अटेंडेंस लेना चाहता हूँ. ओके, तो अब ये जब मैंने, ध्यान से समझना, मैंने पूरा इनपुट जब सही दे दिया, सही दे दिया, तो क्या हुआ दोस्तों, प्रोसेस हुआ. एंड एज अ रिजल्ट जब मैंने व्यू स्टूडेंट दबाया तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, प्रोसेस हुआ. और ये प्रोसेस होने के बाद स्टूडेंट का लिस्ट आ गया. एक बात बताओ, यहाँ पे आप बहुत कुछ सकते थे बट स्टूडेंट लिस्ट ही आया. ध्यान से समझना, ये डेटा बेस है, ये स्टूडेंट का डेटा बेस है, ये कहीं ना कहीं रखा हुआ है. आ रहा है बात, कहीं ना कहीं रखा हुआ है बट उस डेटा बेस को लाने के लिए प्रोसेसिंग हुई. मतलब लाने की क्या है, वो प्रोसेस है. डेटा को लाना इज अ प्रोसेस. तो जब मैंने ये बटन दबाया तो इस बटन का इंस्ट्रक्शन किसके पास गया, कंप्यूटर मेमोरी के पास गया. और इस इंस्ट्रक्शन को समझ के वो डेटा वही लाया जिसका कमांड उसको दिया गया था. मतलब प्रोसेसिंग बिल्कुल सही हुई है. आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है, यस. तो अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग कुछ भी कर सकता था. ध्यान से समझना, प्रोसेसिंग ये कुछ भी कर सकता था बट प्रोसेसिंग इसने सही किया. क्यों, क्योंकि मैंने प्रोसेस पे भी कंट्रोल लगाया हुआ था. और जब मैंने प्रोसेस पे कंट्रोल लगाया दोस्तों तो मुझे एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा. देखो जरा यहाँ पे, अब जैसे सपोज मैंने इसको किया, ये प्रेजेंट है, मैंने इसको प्रेजेंट किया, ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट. अगर आप देखोगे यहाँ पे बढ़ रहा है, एक और प्रेजेंट किया, अब ये 3 हो जाएगा, राइट. एब्सेंट मैंने एक क्लिक कर दिया, ये देखो एक एब्सेंट हो गया, ये दूसरा भी एब्सेंट हो गया, तीसरा भी एब्सेंट हो गया, चौथा भी एब्सेंट हो गया. मतलब जैसे जैसे मैं इनपुट दे रहा हूँ उसकी प्रोसेस हो गया, आउटपुट आ रही है. मैंने बोला ये लीव पे था तो ये एक लीव पे भी आ गया. आ रहा है बात सर. बट अगर मान लो ये एब्सेंट वाले को ही लीव पे कर दूं तो ये लीव 2 हो गया. आ रहा है बात सर, एब्सेंट 3 था. और ये प्रेजेंट वाले को अगर लीव पे करूं तो देखो क्या होएगा, प्रेजेंट वाला लीव दिख रहा है क्या, प्रेजेंट वाला लीव. तो अगर प्रेजेंट था दोस्तों तो ये 3 था और लीव में गया तो लीव 3 हो गया, प्रेजेंट कम हो गया. मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा या लीव में जाएगा, तीनों एक साथ नहीं हो सकते हैं. आ रहा है बात समझ में, यस. यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं, यस. और अब देखो मैं इसको सेव करने की बात करता हूं. देखो ये क्या बोल रहा है, प्लीज सेलेक्ट अटेंडेंस सीरियल नंबर 1 एंड नेम अभिनय यादव. मतलब अब ये सिंपल सा क्या बोल रहा है, इसने बोला कि साहब आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो गलत प्रोसेस है. क्यों, क्योंकि आपने अभी पहले वाले को प्रेजेंट या एब्सेंट या कुछ भी नहीं. मतलब ये बोलना चाहता है कि यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग होगी असेंडिंग ऑर्डर में होगी. तो चलो मैंने बोला ठीक है भाई, अभिनय यादव प्रेजेंट था, अब सेव कर दे. अब देखो क्या बोलता है ये, अब ये बोलेगा अटेंडेंस सीरियल नंबर 2. मतलब इसको क्या बोल रहा है ये कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको सबको या तो प्रेजेंट या तो एब्सेंट या तो एन या तो एल,
कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा, तभी मैं डेटा सेव करूंगा, अदरवाइज मैं डेटा सेव नहीं करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है दोस्तों? ये तो पहला कंट्रोल किस पे लगा हमने, बाउंड्री कंट्रोल। दूसरा इनपुट किस पे लगाया, इनपुट कंट्रोल दिखाया मैंने, डेट वाला दिखाया था। तीसरा मैंने क्या दिखाया दोस्तों, प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस तभी होगा जब आपने प्रॉपर तरीके से पूरा इनपुट दिया होगा, और प्रोसेस भी क्या होना चाहिए दोस्तों, कंट्रोल होना चाहिए, सो दैट आपको करेक्ट आउटपुट मिल सके। तो जब आप यहाँ पे बटन प्रेस करोगे तो एब्सेंट का मतलब एब्सेंट है, एब्सेंट ही पड़ेगा। प्रेजेंट पे क्लिक करोगे तो प्रेजेंट पड़ेगा, मतलब इसकी लिंकिंग प्रॉपर तरीके से कि आप वहां पे इनपुट देते हो, यहाँ पे प्रोसेस होके आउटपुट आ जाता है। और ये आउटपुट क्या होना चाहिए दोस्तों, एक्यूरेट आउटपुट होना चाहिए। तो अगर आप काउंट करके देखोगे तो यहाँ पे 5 या 6 नहीं दिखेगा, 4 ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 को ही आपने अभी तक प्रेजेंट किया। तो आउटपुट पे भी हमने कंट्रोल लगाया हुआ है, तो जितना प्रेजेंट है उतना ही एग्जैक्ट फिगर ये दिखाएगा। एंड एज अ रिजल्ट अपने पास क्या बन जाएगा दोस्तों, जब मैं ये सेव कर दूंगा तो ये जो डेटा है अटेंडेंस का, ये कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, स्टोर होगा। तो सपोज मान लो मैंने पिछले टाइम पे अटेंडेंस लिया था और अब मैं रिपोर्ट्स ऑफ अटेंडेंस देखता हूँ। बट एक बात बताओ, कहीं पे मैंने, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कितने लोग कितने परसेंटेज पे उनका प्रेजेंस लगा हुआ है, अगर मुझे चेक करना है, तो ये मैं यहाँ पे स्टूडेंट रिपोर्ट में आता हूँ और मैं बोलता हूँ यहाँ पे डेट पूछता है, तो मैंने बोला अप्रैल से, सपोज 5 अप्रैल से आज की डेट मैं कवर कर लेता हूँ उसे, सपोज आज मैं ले लेता हूँ 18th May 2020 का क्लास नेम, मैं कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पे, इसे सपोज मान लो ये BBA 6M ले लेता हूँ, ओके सेक्शन जी ले लेता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट नेम जो है से सपोज इंटरनेशनल बिजनेस ले लेता हूँ, ठीक है, एंड ओके एंड ठीक है, एंड शो करने के लिए बोलता हूँ। नो, जैसे ही मैं शो करने के लिए बोलता हूँ, अब आप देखो यहाँ पे ये पूरा डेटाबेस आ गया मेरे पास। Now this is called as what, database where all the records of the students are stored, right? अब इसमें अगर आप देखो कि मैंने जब भी attendance लिया था तो attendance ID, then name, then उनके father's name, then उनका international business जो भी था ये आ गया यहाँ पे, international business ये पूरा आ गया यहाँ पे, okay? Then इसके बाद ये international business, ये percentage पूछ रहा है कि भाई आपका percentage कितना है, attendance percentage कितना है, ओवरऑल परसेंटेज कितना है, आ रहा है बात समझ में? ये तो यहाँ पे ये जो 100% दिख रहा है दोस्तों, ये मैंने नहीं दिया, अगर आप मेरी बात समझो, ये सिस्टम ने खुद कंप्यूट करके प्रोवाइड किया, मतलब ये क्या है दोस्तों, आउटपुट है, आ रहा है बात समझ? एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मास्टर फाइल, ये जो आपको ग्रे में दिख रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मास्टर फाइल एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन फाइल। यही मैंने आपको डेटाबेस में बताया था कि एज अ रिजल्ट जब भी आपको डेटाबेस बनाना हो तो आपको एक प्रॉपर मास्टर फाइल होना चाहिए एंड उसका ट्रांजेक्शन फाइल होना चाहिए, एंड दीज आर कॉल्ड एज व्हाट फील्ड। अगर आप देखोगे ये फील्ड है, ओके, और ये फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से, आ रहा है बात समझ में? यस। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों, राइट, ये आपको कंसिडर यहाँ पे करनी पड़ेगी, मतलब डेटाबेस आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको डेट वाइज अटेंडेंस देखना है तो आप देख सकते हो, अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हो, टोटल अटेंडेंस कितना है वो आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ से दिख सकती हैं, बिकॉज ये सारे डेटा जो है ये डेटाबेस में स्टोर है। तो ये डेटाबेस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। अब सोचो क्या होता अगर कंट्रोल नहीं करते, तो एनरोलमेंट नंबर जो है वो यहाँ पे आ जाता, स्टूडेंट नंबर यहाँ पे आ जाता, फादर्स का मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाता, 100% यहाँ पे आ जाता। अगर डेटाबेस पे कंट्रोल नहीं होता, कोई भी डेटा कहीं पे भी जा सकता था, इसलिए डेटाबेस पे को भी कंट्रोल करने की हमें क्या है, जरूरत है। और ये डेटाबेस को अब मुझे अगर किसी के साथ शेयर करना है तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल है, अगर मुझे एक्सेल में इसको लाना है मैं ला सकता हूँ, ओके। और ये देखो मैसेज सेंड है, मैं ये मैसेज जो है, ये जो डेटा है ये मैं किसी को भी सेंड कर सकता हूँ, मतलब कम्युनिकेट कर सकता हूँ। और जो यूजर होगा दोस्तों वो मैं सेलेक्ट करूंगा, उस पर कंट्रोल लगे, कौन सा यूजर होगा, किस टाइम पे मुझे सेंड करना है, किसको सेंड करना है, किस फॉर्मेट में सेंड करना है, किस मोड में सेंड करना है, ये सब कुछ कंट्रोल मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कम्युनिकेशन कंट्रोल। एंड एज अ रिजल्ट जब मैं इस सॉफ्टवेयर पे, ये सॉफ्टवेयर का डेटाबेस मेरा प्रोटेक्टेड है, कंट्रोल्ड है, सिक्योर्ड है, तभी है, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें बाउंड्री कंट्रोल लगाया, इनपुट कंट्रोल लगाया, प्रोसेस कंट्रोल लगाया, ओके आउटपुट कंट्रोल लगाया, डेटाबेस कंट्रोल लगाया है, राइट तो इसकी वजह से ही जो मेरा ये डेटाबेस है ये क्या है, पूरा सिक्योर्ड है, राइट तो अगर मुझे अपना एप्लीकेशन सिक्योर करना है दोस्तों, तो बताओ मुझे क्या क्या करना पड़ेगा।
मुझे सबसे पहले बाउंड्री कंट्रोल लगाना पड़ेगा, फिर इनपुट कंट्रोल लगाना पड़ेगा, फिर प्रोसेस कंट्रोल लगाना पड़ेगा, फिर आउटपुट कंट्रोल लगाना पड़ेगा, फिर डेटाबेस कंट्रोल लगाना पड़ेगा, एंड देन इसके बाद कम्युनिकेशन कंट्रोल लगाना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? यस yes. तो यहां पे अगर आप देखो, ये रहा बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कंट्रोल। समझ में आया या नहीं आया? यस। तो मैंने बाउंड्री कंट्रोल का मतलब क्या लगाया था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। बाउंड्री कंट्रोल में एक तो एग्जांपल लगा सकते हैं अपन, यस एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है यहां पे? आईडी एंड पासवर्ड। क्या लगा सकते हैं दोस्तों? आईडी एंड पासवर्ड कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट या प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट एक्स सॉफ्ट। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, टैली भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। अनऑथराइज्ड यूजर, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो बाउंड्री कंट्रोल ही ऐसा कंट्रोल है जो यूजर को क्या बनाता है दोस्तों, जल्दी बोलो फट से, एक यूजर को क्या बनाता है? ऑथेंटिक एंड वैलिड यूजर बनाता है। ऑथेंटिक एंड वैलिड यूजर बनाता है कब? जब इन दोनों के बीच में क्या होएगा दोस्तों? बाउंड्री कंट्रोल होएगा। क्लियर है? यस। तो बाउंड्री कंट्रोल को मैं बोल सकता हूं, इट एस्टैब्लिश द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम, राइट? तो ये सिस्टम है और ये सिस्टम ऑथेंटिकेट एंड वैलिड यूजर बन जाएगा जब वहां पे क्या रहेगा दोस्तों? बाउंड्री कंट्रोल रहेगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? पक्की बात है, यस। दूसरा आता है दोस्तों इनपुट कंट्रोल। क्या बोला मैंने? इनपुट कंट्रोल। एग्जाम्पल यहाँ पे इनपुट कंट्रोल पे मैंने क्या लगाया दोस्तों, जल्दी बोलो फट से, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, दैट इज कम ऑन, डेट कैन बी प्रोवाइडेड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ओनली। राइट, इनपुट कंट्रोल आ जाएगा। यस। तो ये एग्जांपल मैंने आपको डेट लिया था इन एक्सॉफ्ट। क्लियर? यस। प्रोसेसिंग कंट्रोल क्या होना चाहिए? डेटा ट्रांसफर होना चाहिए, राइट? जब भी मैं वहां पे प्रेस कर रहा था तो उसका क्या दिख रहा था? आउटपुट दिख रहा था, राइट? तो इनपुट से आउटपुट तक का सफर, इनपुट से आउटपुट तक का सफर। तो अगर आप इनपुट देते हो और उसका क्या आ रहा है दोस्तों? आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होना चाहिए, ध्यान से समझ लें, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए एंड वैलिड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए एंड वैलिड होना चाहिए, राइट? यस। तो इट कंप्राइज दैट कंपोनेंट दैट ट्रांसमिट डेटा अमंग सब सिस्टम्स एंड सिस्टम्स। इट इंश्योर्स दैट ऑल कंप्यूटिंग, सॉर्टिंग मतलब क्लासिफाइंग, ये सब क्या है दोस्तों? समरी। ये सब क्या है? प्रोसेस है, राइट? और यहाँ क्या होना चाहिए साहब? एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल होगा? दिस मेंटेन द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम द इनपुट इज रिसीव्ड टिल द टाइम आउटपुट इज स्टोर्ड। तो ये तब तक चलना चाहिए जब तक इनपुट देने के बाद आउटपुट नहीं आ जाता है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट, जैसे जैसे आप इनपुट देते जाओगे वैसे वैसे प्रोसेस होता जाएगा। तो पहला इनपुट आपने दिया, इनपुट उसका प्रोसेस हुआ, देन आउटपुट आया। फिर दूसरे टाइम पे जो आप इनपुट दोगे फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी एंड देन आउटपुट आएगा। मतलब क्या होना चाहिए? क्रोनोलॉजिकली होना चाहिए। जैसे जैसे इनपुट आएगा वैसे वैसे आउटपुट आना चाहिए। क्या बोला मैंने? जैसे जैसे इनपुट आएगा। प्रोसेसिंग कंट्रोल में क्या बोल रहे हैं आप? जैसे जैसे इनपुट आएगा, जैसे जैसे इनपुट आएगा वैसे वैसे आउटपुट आएगा। ये कंट्रोल रहेगा यहाँ पे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? प्रोसेसिंग कंट्रोल, यस। मतलब टाइमली होना चाहिए, राइट? एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और क्या होना चाहिए? टाइमली होना चाहिए। तीन चीजें होनी चाहिए। ओके,
आउटपुट कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, क्या बोल रहे हैं साहब, इट कंप्राइज द कंपोनेंट। आउटपुट क्या होना चाहिए, कम ऑन, आउटपुट पे कंट्रोल लगाना है तो क्या करो, आउटपुट क्या ऐसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कम ऑन, वैलिड होना चाहिए, एंड कम ऑन, टाइमली होना चाहिए। आउटपुट भी डेफिनेटली एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, क्लियर और नॉट क्लियर, इट मस्ट बी अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, क्लियर। कंपोनेंट दैट रिट्रीव एंड प्रेजेंट डेटा टू यूजर ऑफ द सिस्टम, एंड वहां पे एक चीज और लिख सकते हो, अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये कंट्रोल होना चाहिए आउटपुट पर, राइट। देन इसके बाद डेटाबेस कंट्रोल, क्या बोलता है ये, डेटाबेस कंट्रोल, दैट इज कम ऑन, इट कंप्राइज अ कंपोनेंट दैट डिफाइन डेटा, डिफाइन द डेटा, एड द डेटा, एक्सेस द डेटा, मॉडिफाई द डेटा, डिलीट द डेटा। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो डेटा को डिफाइन करने में, एड करने में, एक्सेस करने में, मॉडिफाई करने में, डिलीट करने में हेल्पफुल है, वो कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सारे के सारे कंट्रोल होने चाहिए। और कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो पहला कंपोनेंट है, ध्यान से सुनना, पहला है मास्टर डेटा, मास्टर डेटा, दूसरा है ट्रांजैक्शन डेटा, तीसरा है कम ऑन, यस, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसके थ्रू आप नया डेटा ऐड करते हो, ऐड न्यू डेटा, तो ये लैंग्वेज के थ्रू ही आप नया डेटा ऐड कर पाते हो। फोर्थ आता है दोस्तों डेटा मैनिपुलेशन, सॉरी, हाँ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप डेटा को क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो या डिलीट करते हो, राइट। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या होने चाहिए दोस्तों, कंट्रोल्ड होने चाहिए। सो मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड अवेलेबल एज पर द स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये क्या होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए एंड एज पर कम ऑन स्टैंडर्ड होना चाहिए, एंड एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस। देन इसके बाद है कम्युनिकेशन कंट्रोल, और मैंने बता दिया कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, क्या होना चाहिए दोस्तों, कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, कंट्रोल ओवर व्हाट, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। एग्जांपल आप यहां पे लिख सकते हो, कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड एंड फॉर्मेट ऑफ द ट्रांसमिशन मस्ट बी स्पेसिफाइड, किस मोड में, टेक्स्ट मोड में होना चाहिए, इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में होना चाहिए, ग्राफिकल फॉर्मेट में होना चाहिए, कौन सा मोड, कौन सा फॉर्मेट है, राइट। तो फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो टेबुलर फॉर्मेट हो गया, ग्राफिकल फॉर्मेट ये हो गया, एंड मोड की बात करूं तो ओरल फॉर्मेट हो गया या रिटन फॉर्मेट हो गया, ये आपका क्या हो गया, मोड हो गया। तो मोड मतलब ओरल कम्युनिकेट होना चाहिए या रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट होना चाहिए, दैट इज मोड। फॉर्मेट मतलब टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, ग्राफिकल फॉर्मेट में होना चाहिए, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फॉर्म। तो मोड एंड फॉर्मेट of the transmission of data must be specified, right? To whom the transmission is made must also be recorded in the system. अपने आप record हो जाना चाहिए। तो communication किसको कर रहे हो, किस time पे कर रहे हो, ये सारी की सारी information log file में record हो जानी चाहिए। तो communication control समझ में आया या नहीं आया, yes? तो control over what? Communication of data, किसको अपन भेज रहे, किस time पे भेज रहे, किस format में भेज रहे, ये सब कुछ log file में available होना चाहिए। क्लियर है? तो ये बेसिक पर्पस जो था, बेसिक पॉइंट्स जो थे एप्लीकेशन कंट्रोल के, ये हमने कवर कर दिए दोस्तों, दैट इज बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कंट्रोल, ठीक है। एंड इसी के साथ ये हमारा बाउंड्री कंट्रोल का डिटेल अपने को पढ़ना पड़ेगा, देन इसके बाद अपन इनपुट कंट्रोल का डिटेल पढ़ेंगे, ये सब इनपुट कंट्रोल रहेगा यहाँ पे, देन इसके बाद हम प्रोसेसिंग कंट्रोल का डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पे, देन इसके बाद आउटपुट का कंट्रोल का डिटेल आएगा, देन इसके बाद डेटाबेस कंट्रोल का डिटेल आएगा, राइट, एंड देन इसके बाद कम्युनिकेशन कंट्रोल का जो है डिटेल यहां पे आएगा,
आ रहा है बात समझ में? यस। तो अब एक एक कंट्रोल जो है यहाँ पे आप अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आज का, जो एप्लीकेशन कंट्रोल हमने बेसिक्स तौर पे आपको बताया है, कंप्लीट करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक के बाद एक सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाजत दे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच गाइज।